हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानो निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मिलें आप लोग को 2021 में। और हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट। एक्चुअली क्या था ना, हम लोग को काफ़ी समय से जाना था बट नहीं जा पा रहे थे, तो अचानक लगा चलो 1 जनवरी भी है तो चलते हैं चित्रकूट। और क्या था, पापा जी को प्रसाद भी चढ़ाना था किसी चीज़ का, कामता नाथ जी में, तो बस उसके लिए हम सारे लोग जा रहे हैं। तो ये ड्राइव कर रहे थे, पापा और नानू बगल वाली सीट में बैठे हुए थे, मैं मम्मी भैया पीछे बैठे हुए थे, और बहुत ही प्यारा व्यू था इवनिंग टाइम। और अब पहुंच रहे हैं हम लोग, चित्रकूट पहुंच गए हैं। तो ये है मामा जी की दुकान, मतलब उनकी कपड़े की शॉप है, प्लस आग्रसन भवन भी है। फिर हम लोग ने थोड़ा सा भवन में ही, मतलब मामा जी की जो लॉज थी वहीं पे ही थोड़ा सा रेडी हुए और आ गए राम घाट। कहते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी आरती होती है, तो हम लोग को आरती तो नहीं मिल पाई थी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, बट जो भी व्यू था बहुत ही सुंदर था। आप लोग भी देखिए, कौन है? शाल हम नहीं लाए हैं। रावण पुत्र मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब सुषेण वैद के कहने पर संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी हिमालय पर्वत की ओर निकल पड़े। रोटी ना मिली तो सारा पर्वत ही उठा लाए केसरी। जय वैद्यराज सुषेण ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया और लक्ष्मण उठकर बैठ गए। अब इस युद्ध को अंत करने का समय आ गया है। बस हम लोग ने ये देखा और बहुत ही प्यारा व्यू है जो कि मैंने कैप्चर किया। फिर हम लोग ने इसमें वोटिंग किया और वोटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम लोग ने। और ये है यूपी। एक्चुअली जब मामी, मतलब वहाँ पे क्या सिस्टम है, जिस साइड मामी जी का घर है तो वो एमपी में आता है, और जो आप लोग को ये उस साइड की एरिया जहाँ लाइट दिख रही होगी आप लोग को, तो ये यूपी में लग जाता है, मतलब आधी एरिया यूपी और आधी एमपी। तो बस हम लोग ने सोचा चलो वोटिंग करें, मेरा भी मन था और नानू का स्पेशली बहुत ज़्यादा मन था। तो इन्होंने बोला कि चलो वोटिंग करना है, तो मैंने बोला हाँ यार वोटिंग करना है, बहुत ज़्यादा मन है। तो बस हम लोग ने वोटिंग किया। खड़े हो गए थे क्या, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बोट पे बैठने में। तो ये इन्होंने मतलब एक बैलेंस इसलिए सेंटर पे खड़े हो गए थे कि वो दोनों तरफ का बैलेंस बना रहे। तो बस फिर मतलब मम्मी नानू को लेकर जानी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डर भी तो लग रहा था लेकिन इंजॉय भी करना था। तो बस मम्मी उसको लेकर गई और ये मामी जी जा रही थी पीछे से, पहले ये बैलेंस बनाने के लिए बीच में खड़े हो गए थे, फिर भैया बैठे, मम्मी और नानू, मामी। मुझे भी बहुत डर
लग रहा था, फिर मैं इनका मैं बोली यार थोड़ा सा हाँ सपोर्ट करो, फिर मैं आई इनके साथ बैठ कर, और सारा दिन सफ़र कर करके ने फेस एकदम डल सा हो गया था, और हम उन्हें घर भी नहीं गए कि थोड़ा सा मेकओवर कर ली। तो बस फिर बस बैठे कि जल्दी से घर जाना था, सारे लोग वेट कर रहे थे, मामी जी तो लॉज में ही आ गई थी। तो बस क्या हुआ, चारों तरफ हम लोग घूमे, मतलब जहाँ तक उनका सिस्टम रहता है घुमाने का वहाँ तक हम लोग घूम कर आए, और ये निवी भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। क्या हुआ था, जब सारा दिन ट्रेवल में ना बच्चे भी परेशान हो गए थे एक जगह बैठ कर, क्योंकि 5-6 हॉर्स 5-6 घंटे लग जाते हैं, तो बहुत फिर रिलीफ मिल रहा था यहाँ आराम से बैठने पे। तो बस घूमा, सारे जगह घूमा, बस फिर हम लोग ना इस पे बैठ कर सारे जगह का नज़ारा लिया। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का, आप लोग भी ज़रूर चित्रकूट जाइएगा और राम घाट के दर्शन करिएगा। और फिर बस नानू बार बार देख रही थी, और निवी भी बहुत काफ़ी इंजॉय कर रही थी, वो जा रही थी बार बार इनके पास ही बैठे हुए थे तो, और नानू भी खड़े हो रही थी तो डर लग रहा था, मतलब कहीं पैर एड ना स्लिप हो जाए, तो बस उसे भी हम लोग देखे थे। हालांकि जब ये रहते हैं तो नानू की शैतानी कम होती है, क्योंकि उसे थोड़ा सा डर रहता है पापा का। फिर यहाँ पे ना जितनी भी बोल नहीं लगाते, मम्मी उठा लो ठंडी है, हवा लग रही है। हाँ तो हम लोग घर पहुँच गए, क्योंकि जल्दी घर भी जाना था, काफ़ी लेट हो गया था, और ना क्या था 1 जनवरी को मेरा बर्थडे भी था, तो दीदी लोग ने पूरा सरप्राइज़ करके रखा था कि भाभी आएगी तो केक कट करवाएंगे, तो क्या हुआ था ये भी लेकर गए थे, बट दीदी लोग को पता नहीं था कि हम लोग भी केक लेकर जा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ था, जो दीदी ने ये जो है ना केक, ये दीदी ने बनाया था, तो फिर बस ये न्यू ईयर का केक बच्चों से कट करवाया था, और येलो वाला मैंने कट किया था। तो आप तो मेरे बच्चों को जानते ही हैं, और ये जो रेड और ब्लैक कलर की मतलब टी शर्ट पहना हुआ है जिसने, वो जैकी भैया की बेटी, मामी जी की बेटी की बेटी, और जिसे मैंने गोद में लिया है वो भी उनकी बेटी है। मुझे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे केक कट करने में, तो फिर मैं बच्चों के साथ केक कट कर रही थी। इंजॉय किया, काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने वैसे, बस बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे। तो बस केक वगैरह कट के ये था कि यार जल्दी से, सारे लोग थक चुके थे ट्रेवल में, तो बस ये था कि जल्दी से बच्चे लोग के साथ कट जाए केक। फिर क्या था कि जल्दी से खाना बना हो जाएगा तो सोना, क्योंकि सेकेंड डे हम लोग को रेडी होकर कामतानाथ जी के दर्शन के लिए जाना था। तो बस फिर इसके बाद हम लोग सो गए, फिर अगले दिन हम लोग कामतानाथ जी के दर्शन फिर पहुंच गए हम लोग, मतलब सो कर उठे और फिर रेडी वगैरह हुए जल्दी जल्दी, क्योंकि कामतानाथ जी के दर्शन के लिए आना था। काफ़ी भीड़ हो रही थी क्योंकि चित्रकूट में काफ़ी भीड़ थी न्यू ईयर के समय। तो बस ये है मम्मी पापा डिंकी दीदी और नानू, और ये और पापा ने पूछा प्रसाद कहाँ से लेना है, तो बस वो प्रसाद लेकर रहे थे। फिर हम लोग थोड़ी दूर पे कामतानाथ जी का दर्शन किए, मतलब आ गए उनके मंदिर में, तो उनके दर्शन किए, उनके भी मतलब पंडित जी हैं तो उनकी पूजा कर रहे थे उस वक्त जब हम लोग पहुँचे। तो बस उनके दर्शन हुए, और जो कामतानाथ जी की परिक्रमा है तो वो 5 किलोमीटर की एक परिक्रमा होती है, तो वो लगाने का मन तो था बट बच्चे भी थे साथ में, और फिर लगा कि इसी में सारा टाइम लग जाएगा एक परिक्रमा में ही, और सारी जगह घूमना भी था क्योंकि हम लोगों को उस दिन वापस रिटर्न भी होना था। तो बस हम लोग फिर कहीं ज़्यादा नहीं गए, वहीं पे हम लोग ने थोड़ा सा दर्शन वगैरह किया, और फिर आ गए हम लोग बाहर, थोड़ा सा ये ना फ़ोटो ले रहे थे कामतानाथ जी की, और फिर नानू भी थी यहीं पे, फिर हम लोग बाहर निकल के थोड़ा सा फ़ोटो लिया मैंने और डिंकी दीदी ने, सब इधर उधर हो रहे थे। क्योंकि फिर इसके बाद क्या हुआ था, दुकान में जैकेट स्वेटर थी, तो ये पापा और इन्होंने बोला कि चल रहे हैं जब चित्रकूट, वहाँ पे जो बैठे रहते हैं तो उन्हें बांट देंगे उनके पास, जैसे कि बैठे रहते हैं तो ठंड के समय भी है, तो जो भी मतलब रखा हुआ है दुकान में, तो फिर उनके लिए ये लेकर गए थे। तो ये और जिमी भैया, जो मामी जी के 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ, तो ये जिमी भैया थे, जैकी भैया भी कहीं थे बट वो दिख नहीं रहे थे, तो जिमी भैया और ये स्वेटर जैकेट जो भी था जिसको ज़रूरत वाली,
तो वो आके ले रहे थे। तो फिर बस इसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया, ये मम्मी पापा नानू नीवी चारों जन बैठे थे। फिर हम लोग पहुँचे उसके बाद अनसुईया, सती अनसुईया। तो ये है बाहर का बैकग्राउंड है ये, और यहाँ पे क्या था अंदर, मतलब मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो बस मैंने बाहर का जो भी एरिया था उसे कैप्चर किया ताकि मैं आप लोग को दिखा पाऊँ जो भी है। फिर वहाँ का कैप्चर करके ये ना कुछ पत्थर है जो कि पानी से नहीं डूबता, पानी में वो बाहर ही रखा हुआ था, तो मैंने वो कैप्चर किया। फिर बस हम लोग ने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। ये वो मामी जी हैं जैकी भैया की वाइफ, सॉरी मामी जी की बहू जैकी भैया की वाइफ, और ये मैं हूँ। यहाँ बस हम लोग ने थोड़ा सा, यहाँ ना फिश बहुत ज़्यादा है, ऊपर ही आती है, मैंने कोशिश किया है उन्हें कैप्चर करने का बट वो नहीं सो कर रही थी। तो और बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ। ये है मामी जी की बहू, बेटी और मम्मी। फिर हम लोग थोड़ा देर बाद आए गुप्त गोदावरी। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन था कि हम लोग अंदर के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी न्यू ईयर के कारण, तो ये भी बाहर से मैंने कैप्चर किया। फिर बस हम लोग आए, खाना वगैरह खाया हम लोगों ने, सब लोग थक भी चुके थे क्योंकि हम लोग को वापस भी आना था। फिर बस फोटो सेशन वगैरह किया सभी खाने की। मम्मी ना साइड में खड़ी हुई थी डंडा लेकर, बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, आप वापस घर आने के लिए निकल गए हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय।